दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं, अगर आपने पुराना कंपनी का पैसा नया कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए अपने पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया था और फाइनली आपका पीएफ ट्रांसफर अप्रूव हो चुका है, जो भी आपका पुराना कंपनी के पासबुक में आपका पीएफ का पैसा या फिर पेंशन का पैसा था, जो भी आपका अमाउंट था वो आपका नया कंपनी में जाकर के जमा हो चुका है, नया कंपनी का जो पासबुक है उसमें आपका अपडेट हो चुका है। लेकिन पीएफ ट्रांसफर जब किए हैं तो केवल जो भी आपका पुराना कंपनी में आपका पीएफ का पैसा था वही पैसा केवल आपका नया कंपनी में गया है, लेकिन जो आपका पुराना कंपनी में आपका पेंशन का पैसा था वो अभी तक आपका ट्रांसफर नहीं है। जो भी पेंशन का पैसा हो आपका पुराना कंपनी के पासबुक में ही शो हो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि जो पेंशन का पैसा वो ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो कैसे ट्रांसफर होगा या फिर नहीं हुआ है ट्रांसफर इसे किस प्रकार से निकासी कर सकते हैं, इसका कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेंशन का पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ है ये बताने से पहले सबसे पहले ये जो पासबुक मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले किस प्रकार था, 10 से 15 दिन पहले किस प्रकार से यहाँ पे पीएफ का पैसा था वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे साइड में आपको स्क्रीनशॉट लगाया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पहले इम्प्लॉय शेयर में 19,945 रुपया था, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो चुका है पीएफ ट्रांसफर होने के बाद, जीरो हो चुका है। जीरो हो जाने के बाद मतलब इसका यही हुआ कि जो भी मेरा पुराना कंपनी इसका जो भी पीएफ का पैसा था इम्प्लॉय शेयर में वो मेरा नया कंपनी का मेंबर आईडी में चला जा चुका है, वहां पे जाकर के एड हो चुका है, ठीक है। सेम एज इम्प्लॉयड शेयर में कितना था देख सकते हैं 6,097 था, तो यहाँ पे जीरो अब सो रहा है। तो जीरो सो होने का मतलब होता है इससे पैसा निकल करके मेरा नया मेंबर आईडी है, मेरा नया कंपनी है उसमें सो रहा है। लेकिन जो पेंशन का पैसा था पहले जितना था 12,115 रुपया, वही सेम एज यहाँ पे देख सकते हैं 12,115 रुपये यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। दोनों मैंने आपको दिखा दिया पहले किस प्रकार था, 10 से 15 दिन पहले किस प्रकार से था और अभी ट्रांसफर हो जाने के बाद किस प्रकार से पासबुक यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल से समझ लीजिए जो भी मेरा पुराना कंपनी जो पासबुक मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें जो भी पीएफ का पैसा था वो पीएफ का पैसा इस पासबुक से निकल करके मेरा जो नया कंपनी का पासबुक है उसमें जाकर के अपडेट हो चुका है, उसमें ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन जो पेंशन का पैसा है वो अभी अभी यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, नहीं गया है। तो क्यों नहीं गया वो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों जब पीएफ ट्रांसफर करते हैं तो केवल और केवल पीएफ का ही पैसा ट्रांसफर होता है, पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। पीएफ का पैसा ट्रांसफर होता है और साथ ही साथ आपका सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होता है। तो जैसे कि नियमानुसार यहाँ पे जो इम्प्लॉय शेयर में था, इम्प्लॉय शेयर में जो भी पीएफ का पैसा था वो तो ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पे जीरो जीरो सो रहा है। जबकि पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है तो पेंशन का जो भी पैसा पहले था वही पैसा अब भी यहाँ पे नजर आता होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। पीएफ ट्रांसफर करते हैं तो केवल पीएफ का पैसा ट्रांसफर होता है, पेंशन का पैसा आपका पुराना पासबुक में ही शो होता होगा जैसे कि अभी शो रहा है और साथ ही साथ आपका सर्विस से ट्रांसफर हो जाता है। अब सवाल रहता है कि पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसे किस प्रकार से निकासी कर सकते हैं, कब निकासी कर सकते हैं वो जानकारी दे देता हूं, ठीक है। इसे निकासी करना आपके लिए काफी इजी हो जाता है, जैसे कि अभी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी को भविष्य में कभी भी जब छोड़ दीजिएगा और डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन हो जाएगा, 7 दिन के बाद आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन हो जाता है, उसके बाद जब भी आपका जो नया कंपनी है उसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करके पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 जब अप्लाई कर दीजिएगा तो उसमें जो भी आपका नया कंपनी पीएफ का पैसा था इससे जो भी पैसा उसमें गया होगा पूरा का पूरा निकासी हो जाएगा, ठीक है। सेम है जब नए कंपनी में पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 से जब अप्लाई कर दीजिएगा जो भी आपका नया कंपनी है जिसमें अभी काम करते होंगे, मतलब जिस कंपनी को भी प्रेजेंट टाइम में छोड़े होंगे जिसमें डेट ऑफ एग्जिस्ट डाल करके पेंशन का पैसा निकासी कर रहे हैं, ठीक है, जो नया कंपनी होगा उसमें जो भी पेंशन का पैसा होगा वो तो आपका निकल जाएगा, साथ ही साथ जो भी पुराना कंपनी है जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास पेंशन का पैसा दिख रहा है ये भी पैसा उसके साथ ही निकल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका सर्विस स्टेट जब ट्रांसफर हो गया है तो समझ लीजिए आपका पेंशन का पैसा का भी वो उसमें ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो ही जाता है, लेकिन जो पेंशन का पैसा होता है वो आपका पुराना पासबुक में ही केवल शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शो होने से कोई मतलब नहीं है, पैसा तो पुराना पासबुक में ही शो होगा लेकिन जब नए कंपनी में डेट ऑफ एग्जिस्ट डाल करके पीएफ का पूरा पैसा निकासी कीजिएगा या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी कीजिएगा तो दोनों कंपनी का जो भी पीएफ का पैसा या फिर पेंशन का पैसा होगा एक साथ ही निकासी हो जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, पीएफ ट्रांसफर जब करते हैं तो केवल पीएफ का ही पैसा ट्रांसफर होता है और सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होता है, पेंशन का पैसा जो होता है वो पुराना पासबुक में ही शो होता है। लेकिन समझ लीजिए अगर आपका सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर हो गया तो समझ लीजिए कि आपका पेंशन का भी पैसा ट्रांसफर हो चुका है लेकिन शो तो आपका पुराना पासबुक में ही होता है, ठीक है। सभी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा आशा करता हूं, वीडियो देखने के बाद कंप्लीट जानकारी आपको मिल गया होगा, काफी ज्यादा अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।